Assalamu alaikum. My name is Sarfraz and you are watching CSS Club YouTube channel. तो viewers, आज का हमारा जो topic है वो basically CSS preparation पे है. तो इसके लिए हमने जो है ना वो मियाँ शफीक साहब से request की again इस पर बात करने के लिए. तो मैं आपको एक क्विक इसका मैं इनका बताता चलूँ कि आज हम इनसे जो बेसिक जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इनका जो सेटिस्फाइड जो है वो आंसर मोस्टली नहीं मिलता. तो वो मोस्टली वो जो क्वेश्चन क्या हैं कि हम CSS की प्रिपरेशन के लिए आया कि हम अकेडमी ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी करें. और इसके अलावा अब जो है ना फीमेल्स को जो मोस्टली जो इश्यूज आते हैं स्टडी में जो CSS प्रिपरेशन में, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे कि बेस्ट अकेडमी कौन सी है, बेस्ट टीचर्स कौन से हैं. हम इन पे जो है ना जो मियाँ शाह इंशाल्लाह बात करेंगे. तो हम अपने आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का. तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर, आप जो है ना वो तशरीफ लेके आए. तो मैं सबसे पहले तो मियाँ साहब का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन भी करवा दूँ कि आप जो है CSP ऑफिसर हैं. 2008 में आपने CSS जो है वो एग्ज़ाम आपने दिया था, CSS आपने क्वालिफाई किया था, MPhil आपने किया है, इसमें फूड टेक्नोलॉजी में आपने MPhil किया है. इसके अलावा मास्टर इन इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी. अच्छा, इसके अलावा जनरल साइंस एंड एबिलिटी की आप ऑथर भी हैं, बेस्ट सेलिंग बुक है. तो 50,000 प्लस इसकी कॉपीज भी सेल हो चुकी हैं. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. तो सबसे पहले जो मेरा जो क्वेश्चन है मियाँ साहब से वो यही है कि हमारा जो है आया कि मोस्टली जो है ना सर हमारे जो जो एस्पायरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मोस्टली जो है वो क्वेश्चन करते हैं, उनका ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आया कि वो प्रिपरेशन के लिए कोई अकेडमी ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी से भी उनकी प्रिपरेशन हो सकती है. तो इस पर आप काइंडली अप्रोच ही डालिए. थैंक यू सरफराज. बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है अक्सर स्टूडेंट जो है आप इस पर भी अगेन आपको वीडियोस भी मिलेगी बहुत सारे टीचर्स की भी स्टूडेंट्स की भी. और ये अक्सर एक क्वेश्चन जो एक नया बिगनर एक स्टूडेंट जो है वो जब तैयारी शुरू करता है तो वो इस पर उसका ये क्वेश्चन होता है कि क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो अकेडमी ज्वाइन करे या कि सेल्फ स्टडी करे. अब इसका एक तो पहले मैं बता दूँ कि डिपेंड्स आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का निसार है. सेल्फ स्टडी से आप CSS की प्रिपरेशन कर सकते हैं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स के जिन्होंने कोई भी किसी किस्म की अकेडमी ज्वाइन नहीं की और उन्होंने अपना CSS का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया. मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल एग्जाम्पल है, किसी किस्म की कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी. आई कैन कोट अदर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें जो CSP ऑफिसर्स से उन्होंने खुद से तैयारी की, किसी किस्म की कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की और वो CSS अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर गए. लाइक जिस तरह जब मेरा बैच था तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, हमारा कुछ 7-8 दोस्तों का ग्रुप था जिन्होंने कोई भी अकेडमी ज्वाइन नहीं की और वो सेल्फ स्टडी करते रहे और सेल्फ स्टडी से उन्होंने CSS की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाब तैयारी की. देन देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स के जहाँ पर लोग जब अकेडमी ज्वाइन करते हैं. अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट आप चीज़ याद रख लें कि अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए प्रोसेस लंबा ज़रूर हो सकता है. आप ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम एकेडमी की एफिकेसी को निगेट कर दें कि जी एकेडमी जो है वो सिर्फ एक मनी मेंटिंग बिजनेस है. एकेडमीज का एक अपना रोल है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कोई ना कोई वैल्यू एडिशन आपको सेल कर रहे हैं. देखिए इस सब बिजनेस भी टर्म में आप देखें वो कोई खुदा माफ करें कोई ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे. दे आर ऑफरिंग सर्टन वैल्यू, वो आपको कोई वैल्यू ऑफर कर रहे हैं और उसके एक्सचेंज में आप उनको कोई वैल्यू दे रहे हैं. ये तो एक सिंपल सा बिजनेस का रूल है. तो अगर आप कोई अकेडमी ज्वाइन करते हैं या कोई टीचर ज्वाइन करते हैं तो आपको उसको उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होता है. कि एक तो ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं होती, आपको रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं, आपके कंसेप्ट जो है वो थोड़े शॉर्ट टाइम में क्लियर हो जाते हैं, आपको टीचर तक एक्सेस हो जाती है, आपको अच्छे मटीरियल तक एक्सेस हो जाती है, आपकी असेसमेंट बेहतर हो जाती है. अच्छा, अब अगर आपके पास 2-3 वजूहत हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, आप कहीं बहुत ही दूर दराज इलाके में बैठे हुए हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के, आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं और आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे कि आप लाहौर जाके या इस्लामाबाद जाके या कराची जाके या सखर जाके आप CSS की तैयारी करें, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. आप घर बैठ कर भी CSS की तैयारी कर सकते हैं. दो केस में हो सकता है कि आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गए. अब इसमें आ जाता है कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है. अगर आप घर बैठ के खुद से तैयारी करते हैं तो उसका प्रेपरेशन का स्केड्यूल क्या होना चाहिए? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अक्सर जी CSS की प्रेपरेशन कहाँ से शुरू करें.
उसमें मेरी यही स्टूडेंट्स को ताकीद होती है कि जब आप सब्जेक्ट की सिलेक्शन करते हैं तो एक आप बात याद रखें कि सबसे पहले आपको अपनी वीकनेस का खुद से आइडिया होना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस कौन सी हैं। लाइक अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो सोचते हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बेहतर ना हो, और आप अगर सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपका साइंसेस का अच्छा इतना बैकग्राउंड ना हो। तो एकेडमी ज्वाइन करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल जो टीचर्स हैं अभी तो लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, और इवन जो अभी कोरोना की वजह से, कोरोना एक लिहाज से ब्लेसिंग भी साबित हुई है कि बहुत सारे जो टीचर जो कि कभी जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो ऑनलाइन जाके पढ़ाएंगे, वो अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आपके पास ऑनलाइन टीचर्स अवेलेबल हैं, इंडिविजुअल टीचर्स अवेलेबल हैं जिनका फीडबैक आप थोड़ी सी रिसर्च करें इंटरनेट पर तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छा टीचर है कौन सा अच्छा टीचर नहीं है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकेंड इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपने एकेडमी ज्वाइन करनी है तो अकेडमीज कौन कौन सी बेहतर है। मैं यहाँ पे सॉरी, मैं किसी एक ख़ास एकेडमी को प्रमोट नहीं कर रहा, आप अगर लाहौर के अंदर देखेंगे, मैं किसी एक एकेडमी का नाम नहीं लूँगा, 3 से 4 बड़ी एकेडमीज हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें 19-20 का फ़र्क होता है। आप फेसबुक पे, हमारा ग्रुप है सीएसएस क्लब का, उसके अंदर आप अपना क्वेश्चन सर्वे पोस्ट कर सकते हैं, पॉल पोस्ट कर सकते हैं कि सीएसएस की तैयारी के लिए लाहौर के अंदर कौन सी एक बेहतरीन एकेडमी है। उनमें से आपको 3-4 एकेडमीज़ के नाम मिल जाएंगे, अगर आपने ज्वाइन करना है उसमें से किसी आप एकेडमी को ज्वाइन कर लें। इस तरह अगर इस्लामाबाद के अंदर आप देखेंगे ए डिफरेंट सेट ऑफ एकेडमी वहाँ पे मौजूद है, कराची की बात करेंगे तो कराची में भी 3-4 एकेडमीज मौजूद हैं, हैदराबाद में पैरागॉन है, IBA सखर में इस प्रेपरेशन हो रही है, क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा एकेडमी है ही नहीं तो मैंने इसलिए उनका नाम भी ले लिया यहाँ पे। अच्छा, अब आप अगर एकेडमी से प्रेपरेशन नहीं करना चाहते तो फिर आप इंडिविजुअल टीचर्स जो हैं अगर उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब उसमें सबसे पहले, जिस तरह के हमने एक और वीडियो भी बनाई हुई है कि व्हाट आर द टॉप 5 रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स इन सीएसएस, उसमें मैंने आपको मेजर रीज़न ये बताई कि स्टूडेंट्स का सीएसएस में फेल होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो इंग्लिश एसएन कंपोजिशन है। तो आप अपनी तैयारी में ये देख लें कि आपकी बाकी तमाम सब्जेक्ट्स एक तरफ और आपका इंग्लिश एसएन कंपोजिशन एक तरफ। अब लकीली, या आप ये कह लें कि जो करंट सिचुएशन है या मार्केट डिमांड की वजह से, आप कह लें कि देर आर मोर देन डजन टीचर्स और बड़े रिनाउंड टीचर्स हैं, उसमें सर शफा यार खान हैं इंग्लिश एसएन कंपोजिशन के, सर रजी आबदी हैं, फातमा बतूर हैं, सैयद नासिर जमाल शाह साहब हैं, अमानुल्लाह गोंदल साहब हैं, वक़ार हसन हैं, प्रोफेसर शकील साहब हैं, मैं अगर किसी का नाम इसमें काइंडली मिस कर रहा हूँ, जाहद साहब हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं। अब आपने इन टीचर्स को खुद से असेस करना है, हर टीचर की भी इनमें से अपनी एक स्ट्रेंथ और वीकनेस है। लाइक कुछ जो हैं वो आपको आपकी बेसिक स्किल्स बढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, कुछ जो हैं वो आपकी असेसमेंट में बहुत बेहतर हैं। लाइक रजी आबदी के पास आप जाएं, अगर आप असेसमेंट अपनी बहुत अच्छी तरह से करवाना चाहते हैं, अगर आपकी बेसिक्स इतनी अच्छी नहीं है तो आप किसी ऐसे टीचर से स्टार्ट करें जो आपको बेसिक्स पे आपका प्रॉपर आपको वर्क करवा सके, तो आपको वो आपकी इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन उसको बिल्कुल बेसिक से जो आपको स्टार्ट करें, अलग बेसिक जिसको आप कह लेंगे आपसे स्टार्ट करवाए, ABC आपको शुरू करवाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट्स पे। अब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन था, मैंने 2008 में अलहमदिल्ला CSS दिया, तो मेरा 200 मार्क्स की इंडो पाक हिस्ट्री थी, 200 मार्क्स की बॉटनी थी, 100 मार्क्स की एग्रीकल्चर थी, 100 मार्क्स की फॉरेस्ट्री थी। अब मैंने जब सब्जेक्ट कम्बिनेशन ये चूज़ क्यों किया था, मेरा साइंसेस का बैकग्राउंड है, मैंने MPhil फूड टेक्नोलॉजी में किया, BS ऑनर्स मेरा एग्रीकल्चर है, तो मैंने वो सब्जेक्ट्स रखे जिसमें मुझे मिनिमम ट्यूशन लेनी पड़े। बॉटनी में मुझे ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बॉटनी में हमने 3-4 दोस्त का ग्रुप बनाया और हमने बॉटनी रखा हुआ था, तो हमने बॉटनी की तैयारी खुद से कर ली। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की तो मैं ट्यूशन पढ़ाने के काबिल था कि मैं खुद ट्यूशन भी पढ़ा सकता था, 4 साल मैंने एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री ही पढ़ी हुई थी, उसमें भी मुझे किसी से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं थी। तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स रखें जो या कि आपके एकेडमिक डिसिप्लिन से, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से जो है वो किसी ना किसी तरह से तालमेल खाते हैं। उसकी मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। इफ़ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, आपका अकाउंटिंग या कॉमर्स बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है, एक बहुत ही अंडररेटेड सब्जेक्ट है मर्केंटाइल लॉ। अगर आपने कंपनी लॉ या बिजनेस लॉ किसी भी लेवल पे आपने पढ़ा हुआ है, आई वुड रिकमेंड 100% कि आप ये वाला सब्जेक्ट मस्ट ऑफ करें, क्योंकि ये आपको बड़ा अच्छा स्कोर दे देगा। फिर इस तरह एक अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है कि जी मेरी तो हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है या मुझे इतनी अच्छी पंजाबी बोलनी भी नहीं आती। पंजाबी बड़ा ही आसान सा सब्जेक्ट है,
आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्यूशन या कोचिंग देने की जरूरत ना पड़े, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर इस तरह अगर आपका मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है, आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रख सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स लाजमी उठाएँ। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर वो सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है तो फिर भले उसे आप अवॉइड करें। पहली बात तो ये होगी आपकी। सेकेंडली, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा एक ग्रुप फेसबुक पे अवेलेबल है सीएसएस क्लब अलहमदुल्ला, उसके 1,40,000 से ज़्यादा उसके मेंबर्स हैं। देर आर सम अदर ग्रुप्स एज वेल जिसमें सीएसएस पे आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आप अपना एक पॉल या रिकमेंडेशन पूछ सकते हैं कि भाई मुझे अगर पंजाबी पढ़नी है तो मैं किस टीचर से पढ़ूँ। लाइक हमारे पास वासिफ हुसैन पंजाबी के टीचर हैं जो कि जीसी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और बहुत सारे सीएसएस के क्वालिफायर्स भी हैं जो कि पंजाबी के ऊपर गाइडेंस देते हैं। ठीक है, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। ये बात करने का मकसद ये है कि आप किसी ऐसे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट के लिए भी जिसमें आपको गाइडेंस मिल सकती है। सारे ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइक हो सकता है आपको पाकफेयर की ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ना हो, करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत ना हो, इस्लामिक स्टडी की ट्यूशन लेने की ना जरूरत हो, आपका साइंसेज का बैकग्राउंड है तो आपको जनरल साइंस एंड लिबर्टी की ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उससे थोड़ी एफर्ट करें तो आप उससे तैयार कर सकते हैं। तो ये तो सारा मेरा एक पर्सपेक्टिव है। फाइनली मैं एक और आपको बात बता दूं, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी एकेडमी। अगर आप किसी टीचर के पास जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट आपको जरूर होता है। उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो शॉर्ट टाइम के अंदर वो टीचर आपको वो सब्जेक्ट तैयार करवा देते हैं, पहली चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि आपको उसका रिकमेंडेड टेक्स्ट ढूंढने में, उसके अंदर जो कोई डिफिकल्टीज़ होती हैं, जो चीज़ें समझने में आपको प्रॉब्लम होती है, उसमें वो आपको हेल्प आउट कर देते हैं। अच्छी बुक्स मिल जाती हैं, आपको अच्छे नोट्स मिल जाते हैं जहाँ से आप अच्छी आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। तीसरी, उसके अंदर जो एक मेजर आपको बेनिफिट होता है, आपकी आपकी असेसमेंट हो जाती है। लाइक अगर कोई सिस्टम प्रोफेसर हैं वो आपको उसमें पढ़ा रहे हैं, ऑप्शन सब्जेक्ट्स की हम बात करें, पंजाबी के टीचर हैं वो आपको बता देंगे कि पंजाबी के पेपर में कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी, पॉल साइंस के टीचर हैं आपको बता देंगे कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, IR है तो उसमें आपने थ्योरीज की एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आप टीचर को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। फाइनली आई वॉन्ट टू कंक्लूड इट, आप अगर अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो खुद से आप डिसाइड करें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के अंदर कौन सी बेहतर अकेडमीज है, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। बट आई पर्सनली फील कि आप अकेडमी भरे ना ज्वाइन करें, आप 2 से 3 सब्जेक्ट जिसमें आप समझते हैं कि आपको डिफिकल्टी है, उनके टीचर्स अभी तो आपको घर बैठे हुए जूम पे ऑनलाइन टीचर्स मिल जाते हैं, आप उन सब्जेक्ट्स की कोचिंग ले लें, बाकी सब्जेक्ट्स आप खुद से तैयार कर लें, और आप बड़ी आसानी के साथ आप अपनी सीएसएस की तैयारी घर बैठ के कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारे जो डिस्कशन थी मियां साहब के साथ, वो सीएसएस प्रिपरेशन पे जो था वो था, तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने माशाल्लाह से इसको समराइज भी किया है, उसको जो है ना एक्सप्लेन भी किया। तो मैं क्विकली इसको आप मैं जो है आप इसको ज़रा समराइज कर देता हूँ कि हमारी जो क्वेश्चन थे इनसे बेसिकली वो कि आप लोग अकेडमी ज्वाइन जो है ना वो करें या सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, ये था। फीमेल्स भी इन्होंने बात की है, ठीक है, अगर वो नहीं मतलब उनकी फैमिलीज अगर इजाज़त नहीं देती तो, या उनके और कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं जो डोमेस्टिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो ऑनलाइन अब जैसे जो क्लासेस हो रही हैं उसको भी ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, उनको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। बेस्ट अकेडमी कौन सी है, बेस्ट टीचर्स कौन से? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा, मुझे आपकी बात से भी याद आया। जी सर, कोरोना हैज़ बीन अ ब्लेसिंग एज वेल। अल्लाह हर एक को अपनी पनाह में रखे, हर एक को अल्लाह सेहत दे। ज़िंदगी का किसी का लॉस हुआ है तो अल्लाह माफ़ करे, उसका कोई नेमत बदल नहीं है। काइंडली, मेरा ये इसको बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह हर चीज़ के बुरी चीज़ के भी कुछ अच्छे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये ऑब्वियसली पेंडेमिक है, बीमारी है। लेकिन इसमें ये हुआ है कि आपको बहुत सारे अभी यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, जिस तरह हमारा सी एस एस क्लब का चैनल है, यहाँ पे आपको जीके की वीडियोस, यहाँ पे आपको एसे की वीडियोस, यहाँ पे आपको इंग्लिश कंपोजिशन प्रेसी की वीडियो, यहाँ पे आपको पॉल साइंस की वीडियोस, यहाँ पे आपको करंट अफेयर की वीडियोस मिल जाएंगे। एंड यू जस्ट सर्च, आपको बहुत सारे और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल टीचर्स के आपको यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहाँ से एक बेसिक गाइडेंस आप ले सकते हैं कि आपने उस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।